नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना में बीके नाइट को लेकर। यहाँ जो है पटना में एक बीके नाइट खुल रहा है, जहाँ पे आप जाकर शाम को मौज मस्ती कर सकते हैं, परिवार के साथ वहाँ पे जा सकते हैं और अपना एक छुट्टी का समय वहाँ व्यतीत कर सकते हैं। अब राजधानी पटना में भी आपको मिलने वाला है हैप्पी स्ट्रीट। बता दें कि राजधानी पटना में अब स्ट्रीट फूड को लेकर तैयारी शुरू की गई है। पटना के गांधी मैदान के इलाके को राजधानी का हट कहा जाता है। इस इलाके को अब वीकेंड नाइट मार्केट शुरू करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के पीर अली खां पार्क से लेकर जेपी गोलंबर तक यह नाइट मार्केट लगाया जाएगा। आप यहां पर छुट्टियों का पूरा आनंद लेने के लिए आ सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इस पूरे मार्केट को इस तरह से बनाया जा रहा है जिससे कि आप अपने परिवार के साथ वहाँ आ सकते हैं। बता दें कि देश के अन्य शहरों की तरह पटना भी हैप्पी स्ट्रीट बनने की पूरी प्रक्रिया में शुरू हो गया है। बता दें कि इस योजना को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो गांधी मैदान के इलाके को हैप्पी स्ट्रीट बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में गांधी मैदान के आसपास के इलाकों को हैंगआउट स्पॉट बनाया जाएगा। बता दें कि यह होटल मॉक से लेकर जेपी गोलंबर से होते हुए शहीद पीर अली खां पार्क तक इस पूरे इलाके को विकसित किया जाएगा। बता दें कि इस इलाके को रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटों से सजाया जाएगा ताकि यह इलाका अन्य इलाकों से अलग दिख सके। बता दें कि इस इलाकों को विशेष मार्केट बनाने की भी बात कही जा रही है। जब आपने यह जान लिया कि पटना में कहाँ पे हैप्पी स्ट्रीट लगने वाला है, तो अब आपके दिमाग में यह भी बात चल रहा होगा कि आखिर उन इलाकों में क्या क्या मिलने वाला है। आपको बता दें कि इन इलाकों में आपको शनिवार और रविवार यानी कि दो दिनों तक विशेष मार्केट लगेगा, जो कि स्ट्रीट फूड मोबाइल शॉपिंग का होगा। बता दें कि इन दुकानों को एक कलर और विशेष तरह का मॉडल बनाया जाएगा। बता दें कि यह भी कहा जा रहा है कि इस जगह पर अस्थायी खाद्य स्टॉल लगाया जाएगा। आप यहाँ पर स्वादिष्ट फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्वादिष्ट फूड व्यंजन का आप जो है यहाँ पे आनंद उठा सकते हैं। साथ ही साथ इस जेपी गोलंबर से पीर अली खां पार्क तक लगभग 150 मीटर का पूरा इलाका आता है। इन इलाकों में विशेष तरह की लाइट लगाने की बात कही गई है। बता दें कि इस पूरी योजना को लेकर लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई है। इस पूरे मार्केट को बनाने के लिए कोलकाता की एक एजेंसी का चयन किया गया है, जो कि इस पूरे मार्केट को तैयार करेगी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अब राजधानी पटना के लोग भी इस पूरे इलाके में आकर देर शाम हैंग आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस इलाके का जो ट्रैफिक रूट है उसमें भी बदलाव करने की बात जो है कही गई है, ताकि इन इलाकों में लोग जो है आराम से दिमाग से फ्री होकर अपना वहां बैठें और मौज मस्ती कर सकें। स्मार्ट सिटी के PRO ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि हैप्पी स्ट्रीट योजना के तहत पीर अली खां पार्क से लेकर जेपी गोलंबर के बीच दो बड़ा मेगा LED लगाने जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि स्ट्रीट फूड वेंडिंग के लिए पर्याप्त जगह दी जाएगी ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही इन पूरे क्षेत्र को इस तरह से विकसित किया जाएगा जिससे कि वहां आने वाले किसी परिवार को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यहां आप अपने परिवार के साथ छुट्टियों का पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो ऐसे में एक तरह से कह लें कि पटना का हट कहा जाने वाला गांधी मैदान का वो इलाका अब एक तरह से कह लें कि विकसित हो रहा है। यहाँ पे एक मॉडल बाज़ार बनने वाला है, जहाँ पे आप सैटरडे यानी कि शनिवार और रविवार की देर शाम यहाँ पर आकर अपनी छुट्टियों का पूरा आनंद उठा सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।